हमारे पास विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक वनस्पतिक औषधियाँ हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होती हैं और हमारे शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों को यह औषधियाँ दूर भगाती हैं। इन्हीं में से एक है अश्वगंधा। अश्वगंधा हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। इसकी जड़ एवं तना दोनों ही हमारे शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए जानते हैं आयुर्वेद डॉक्टर से इस अश्वगंधा के बारे में कि यह अश्वगंधा हमारे शरीर के किन किन रोगों को ठीक करने के लिए सक्षम रहती है। अश्वगंधा दो रूपों में आता है, एक छोटा छोको बोलते हैं ना उसको, छोटा पौधा, एक इसकी जड़ होती है, जड़ को पूर्ण बनाया जाता है और ये विशेष रूप से क्षय रोग जिसको अपन टीबी बोलते हैं उसमें भी प्रयोग में होता है। खांसी के में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसके चूर्ण में मिश्री आदि मिला करके इसका यूज किया जाता है। हृदयशूल, हृदय रोग, हृदयशूल में भी इसको अश्वगंधा के चूर्ण को जल के साथ सेवन करने से हृदय रोग में ये काम आता है। और हृदय रोग में चाहे भले बीपी हो, हाइपरटेंशन हो, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। गाँव में ज़्यादातर अश्वगंधा के लड्डू बनाए जाते हैं, जो उस लड्डुओं को एक एक लड्डू रोज सुबह लेने प्रदर रोग में बहुत ही विशेष रूप से लाभकारी ये होता है। ठीक है भाई साहब, और विशेष रूप से ये फलकारक है। जितने भी अपन ने बात रोग होते हैं उनमें ये बहुत ही लाभकारी होता है। अश्वगंधा की जड़ को गाय के पेशाब में पीस करके और गुनगुना करके उस स्थान पर लगाने से चर्म रोगों में भी ये विशेष रूप से काम आता है। दुर्बल दौर्बल्य मन वीकनेस में भी ये अश्वगंधा बहुत ही प्रयोग किया जाता है।